हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के क्रैश कोर्स की सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर देखने वाले कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अभी मैंने क्या डिसाइड किया है कि आपको हर एक वीडियो में 2-2 चैप्टर कवर कराऊं, जल्दी से जल्दी आपका चीज़ें भी कवर हो जाएगी और आप 2-2 चैप्टर करके अपना भी प्रिपरेशन करते रहेंगे, ठीक है। फिर जो बाद में दिन बचेंगे उनमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस की वीडियो मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट 15 वीडियोस हैं इनमें आपके 2-2 चैप्टर कवर करेंगे। आज का चैप्टर रहने वाला है वेन डायग्राम और मिसिंग नंबर, तो आधा आपकी वीडियो रहेगी वेन डायग्राम की, आधी रहेगी मिसिंग नंबर की, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और इससे आपका एक चैप्टर और कवर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से वेन डायग्राम अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपका इस लोग वाला चैप्टर भी अच्छे से कवर हो जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाती है। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका 100% एक तो आएगा ही, दो भी आ सकते हैं। किस तरीके से करना है वेन डायग्राम के क्वेश्चन को, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेज, कुर्सी और फर्नीचर तीनों के तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे मेज और कुर्सी दोनों को ही हम फर्नीचर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा डायग्राम देखना है जो तीनों के बीच में रिलेशन शो कर रहा हो। तो तीनों के बीच में रिलेशन कौन सा शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है, ये भी, ये भी, ये तो नहीं कर रहा, तो इसको तो आप हटा ही देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करिएगा जो वेन डायग्राम के होंगे, जो ऑप्शन नहीं हो सकता है उसको एकदम कट कर देंगे। फिर अगर पहले की बात करें, पहला क्या शो कर रहा है, पहला कुछ ना कुछ ऐसा शो कर रहा है कि सभी मेज, जो सभी की सभी मेज है वो सभी की सभी कुर्सियाँ हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकती, सभी मेज को कुर्सियाँ कभी नहीं बनाया जा सकता, और सभी की सभी कुर्सियों को फिर फर्नीचर, ठीक है। सभी के सभी कुर्सियाँ फर्नीचर हो सकती हैं, बट ये मेज और कुर्सी वाला जो ये वाला रिलेशन है ये फुलफिल नहीं होगा, तो इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई, दोनों फर्नीचर जरूर हो सकती हैं, बट ये नहीं हो सकती कि कुछ मेज फर्नीचर, सॉरी, कुछ मेज कुर्सी और कुछ कुर्सी मेज नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर नेक्स्ट वाले की बात की जाए, इस वाले डायग्राम की सी की, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से बोला गया है। देखिए, कंप्लीट वाला तो कवर ही नहीं करेगा क्योंकि मेज और कुर्सी अलग अलग चीज़ है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अभी अगर यहाँ पे देखा जाए, मेज और कुर्सी दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों के दोनों फर्नीचर है, तो ये वाला इसको कवर कर रहा है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अभी पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए, आप साथ साथ में ट्राई भी करते रहेगा, आप भी आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज और अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है। अभी अगर जज देखा जाए तो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। भाई, चोर अपराधी हो सकता है, ठीक है, अपराधी हो सकता, क्या अपराधी होगा, ठीक है, और जज एक अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे दो के बीच में रिलेशन होना चाहिए और एक इनमें अलग होना चाहिए, तो ये ऐसा कोई डायग्राम देखिए जो दो के बीच में रिलेशन शो कर रहा हो और एक अलग कर रहा हो। तो यहाँ पे ये तो तीनों के बीच में रिलेशन होगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब ये दो के बीच में रिलेशन है, एक अलग है, दो के बीच में रिलेशन है, एक अलग है। अगर मैं यहाँ पे इन दो में डिसाइड करूँ कि कौन सा राइट होगा, तो आप सोच सकते हैं जो चोर होगा वो अपराधी तो होगा ही। अगर कोई चोर है तो अपराधी तो हो गई, इसका मतलब सभी के सभी चोर, जो ये चोर हो जाएगा ये वाला, अपराधी होंगे, ठीक है, और जज अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये थोड़ी बोल सकते कि कुछ चोर अपराधी होंगे, कुछ चोर अपराधी नहीं होते, सभी के सभी चोर अपराधी होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आते जा रहे होंगे और धीरे धीरे और अच्छे समझ में आएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पुरुषों, पिताओं और तथा वकीलों, यानी कि पुरुष, पिता और वकील के बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन हो सकता है। भाई, वकील पिता, जो वकील होगा वो पिता भी हो सकता है किसी ना किसी का, और वो पुरुष तो होगा ही, ठीक है। यानी कि जो पुरुष है, सॉरी, पिता है, वो पुरुष तो होगा ही होगा, वो वकील भी हो सकता है। तो तीनों के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा वेन डायग्राम देखना है जो तीनों के बीच में रिलेशन शो कर रहा हो, ठीक है। ये वाला किसी के बीच में रिलेशन शो नहीं कर रहा है, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि रिलेशन शो नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे ये रिलेशन शो कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला कब कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन कब होगी, भाई, या तो देखिए, पुरुष और पिता वकील होंगे सारे के सारे,
ऐसी तो कंडीशन नहीं हो सकती कि सभी के सभी पुरुष और पिता वकील होंगे। पहली तो बात यह है कि यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, जो पिता होगा वो पुरुष तो होगा ही होगा, वो वकील हो सकता है, तो आपको कंडीशन ये वाली ए राइट हो जाएगा, ये वाली राइट नहीं होगी। तो ये तो आप इतना तो समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे बोला पुरुष, पहले वाला हो जाएगा पुरुष, सभी के सॉरी पिता हो जाएगा, सॉरी पिता, जो पिता होगा वो सभी के सभी पिता पुरुष तो होंगे ही होंगे, ये तो डेफिनेटली बात है, जो पुरुष होगा वही पिता होगा। फिर यहाँ पे कुछ जो पिता होंगे वो वकील हो सकते हैं, तो जो इस तरीके से कट करके आएगा ये बीच में को इसके, तो ये क्योंकि पिता वाला जो है ये वाला पिता वाला डायग्राम है और इसको कट करके आ रहा है, तो कुछ पिता वकील हो सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। तो आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी प्रदर्शित हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुरुष लड़के और फुटबॉल के बीच में भी पूरा कंप्लीट रिलेशन है, यानी कि रिलेशन है इनके बीच में, ऐसा तो नहीं है कि ये अलग अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे भी बिल्कुल ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन है कुछ कि सभी के सभी लड़के, जो लड़के होंगे वो पुरुष तो होंगे ही भाई, तो सभी के सभी लड़के पुरुष होंगे, ठीक है, ये पुरुष वाला इसके ऊपर को आ जाएगा। और जो फुटबॉल, देखिए कुछ लड़के फुटबॉल भी खेल सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पे सभी के बीच में रिलेशन तो यहाँ पे शो कर रखा है। अब ये कंप्लीट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो छोटा सा, ये क्या शो करता है, इसको पहले समझिए आप। ये शो करता है कि कुछ नहीं वाली कंडीशन, कुछ नहीं के ऐसे जैसे कि कुछ पुरुष लड़के हैं, बस कुछ पुरुष लड़के हैं, तो ये कुछ वाला ऐसे पॉइंट लगा देते ना, कुछ पुरुष लड़के हैं, तो ये वाली कंडीशन को शो करता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सभी के सभी पुरुष लड़के हैं, कुछ इस तरीके से मतलब कंडीशन बनती है। तो ये दोनों तो आप हटा दीजिए, ठीक है। फिर ये वाली कंप्लीट रिलेशन को शो करेगा, यानी कि ये एक चीज़ जो पूरी कंप्लीटली दूसरे पे डिपेंड होगी, तो ये भी नहीं बन सकता है। फिर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, किस तरीके से सभी लड़के, सबसे पहला आपका डायग्राम जो छोटे वाला है वो लड़के का होगा, सभी के सभी लड़के पुरुष तो होंगे, फिर कुछ लड़के आपके फुटबॉल खिलाड़ी भी हो जाएंगे, ठीक है। तो फुटबॉल खिलाड़ी जो होंगे ये आपका कुछ वाली कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर जाएगी, तो ये वाला डायग्राम आपका राइट होगा। देखिए जो छोटे वाला होता है ना, जो इसमें गोल छोटा बना है, इसका मतलब होता है कि कुछ लड़के पुरुष हैं, बस कुछ लड़के, मान लीजिए ये वाला आपका पूरा का पूरा लड़कों का डायग्राम है मान लीजिए, तो इसमें कुछ लड़के पुरुष हैं, या तो कुछ ऐसे हो सकता है, या फिर ये सभी का ये वाला डायग्राम पुरुष का होगा, तो इसमें सभी के सभी पुरुषों में कुछ लड़के हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है ना, इस तरीके से हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि लड़का होगा तो पुरुष भी होगा और पुरुष होगा तो लड़का भी होगा, तो ये तो कंप्लीट रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला फुलफिल नहीं होगा दोनों में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रेखाकृति द्वारा ग्राम, जिले, जिला और राज्य को निरूपित किया गया है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ग्राम सबसे पहले ग्राम होता है, गाँव होते हैं, उसके बाद ग्राम मिलकर के जिले बनते हैं, यानी कि ठीक है, उसके बाद फिर एक राज्य बनता है, इस तरीके से तो बनता है ना, तो यहाँ पे इन तीनों में रिलेशन तो है, ये हट जाएगा, ठीक है, और ये हट जाएगा, क्योंकि ये एक रिलेशन को शो नहीं कर रहा है, फिर ये दोनों कर रहा है। अब यहाँ पे ये हम बोल सकते थे कि दोनों के दोनों जिले के अंदर आते हैं, सॉरी राज्य के अंदर आते हैं, जिला और ग्राम, बट ये क्यों नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ग्राम जो है वो जिले को कवर करेगा, ठीक है, सॉरी ग्राम को जिला कवर करेगा, यानी कि सबसे पहले ग्राम होता है, उसके बाद जिले होते हैं, फिर उसके बाद राज्य होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये दोनों एक, अगर एक ही लेवल के होते, यानी कि ग्राम और जिला एक ही लेवल के होते, तब इस चीज़ को हम बना सकते थे, अदरवाइज आपका राइट आंसर ये रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि दो बॉल हैं, ठीक है, और दोनों फुटबॉल हो सकती है, तो यहाँ पे ये हम बोल सकते कि दो बॉल दोनों फुटबॉल हो सकती है, तो ये वाली कंडीशन में उसमें सही रहता, क्योंकि दो बॉल है, दो बॉलों में हम सोच सकते हैं कि दोनों की दोनों बॉलों एक हो सकती है, ठीक है, बड़ी छोटी या फिर अलग कंपनी की या फिर कुछ भी, मतलब अलग नहीं होगा, दोनों एक चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ग्राम छोटे लेवल की चीज़ है, फिर जिला उससे बड़ा है, और जिला से भी बड़ा फिर राज्य होता है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला राइट हो जाएगा। ऐसा करता हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, वेन डायग्राम के आप क्वेश्चन 100% करके आओगे अटेम्प्ट, अगर आपने इतना भी देख लिया और इतने से भी समझ गए, सबसे पहले उसको क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये तीनों किस तरीके से रिलेट करते हैं, यानी कि उनमें से तीनों चीज़ें रिलेट कर रही हैं, या उनमें से दो चीज़ें रिलेट कर रही हैं, फिर उनमें से कोई सी भी चीज़ एक दूसरे से रिलेट नहीं करती है। अगर दो रिलेट करती हैं और तीसरी चीज़ अलग करती हैं, तो बस आपके दिमाग में एक ही चीज़ बननी चाहिए कि एक ऐसा डायग्राम जो दो को कवर कर रहा हो, यानी कि दो में तो रिलेशन और एक बिल्कुल अलग हो।
अगर उसमें तीनों चीजें एक दूसरे को कवर कर रही हैं तो एक छोटी होगी, एक उससे बड़ी होगी, एक उससे बड़ी होगी, कुछ इस तरीके से आपको कवर होगा। जैसे वो फर्नीचर वाला मैंने आपको बताया था कि मेज और टेबल दोनों फर्नीचर हो सकते हैं, उसमें ये वाली कंडीशन बनेगी, ठीक है। जैसे आपको बताया था अभी मैंने चोर और अपराधी वाला, चोर सभी चोर अपराधी हो सकते हैं, ठीक है, बट जो जज है वो अलग चीज हो गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये भी अभी मैंने बताया ग्राम, जिला और राज्य, ये वाले कंडीशन हो गई। अगर यहाँ पे कोई तीन ऐसी चीज बोल दी जाए जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो, जैसे बोल दिया जाए यहाँ पे चम्मच, प्लेट और आपका बोल दिया जाए कटोरी, तो तीनों चीज अलग होगी ना, चम्मच अलग होगी, प्लेट अलग होगी, कटोरी। अगर यहाँ पे बोला जाता चम्मच, प्लेट और बर्तन, तो चम्मच और प्लेट दोनों बर्तन हो सकते थे, तो तब आपकी वाली कंडीशन बनती। तो आपको इस तरीके से सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तीन चार ही कंडीशन इसमें बनती है, अलग से इतना कोई हार्ड भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। आशा करता हूँ कि आपको अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन मिलता है तो वो तो आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फिगर सॉरी उस पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले पे, ठीक है। देखिए उससे पहले एक क्वेश्चन और बच गया आपका, इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये भी आपका पूछ लिया था वेन डायग्राम में। कितने लोग शिक्षित नौकरी पैसे वाले हैं, मतलब आपको बताना है, ये तो आपको पूरा क्वेश्चन में ही दिया होगा, यहाँ पे आपको बताना है इसको देखते हुए कि कितने लोग इसमें नौकरी और पैसे वाले हैं, ठीक है, शिक्षित भी हैं और नौकरी पैसे वाले भी हैं, यानी कि दोनों चीज़ होने चाहिए। तो आपको इसको पूरे डायग्राम को देख लेना है। देखते हुए आपको देखना है ये वाला जो है आपका त्रिभुज, ये क्या है, ये तो है शिक्षित के लिए। फिर ये जो गोला है आपका, ये है आपका किसके लिए, नौकरी पैसे वालों के लिए। आपको ये देखना है कि इन दोनों को कवर कौन सा कर रहा है। ये वाला अगर पोर्शन मैं देखूं, ये शिक्षित भी है और ये नौकरी पैसे वाला भी है, तो कितने हो जाएंगे, 6 और 12 कितने हो जाएंगे, 18, यानी कि 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षित और नौकरी पैसे वाले कितने हैं, ये 18 हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। समझ में आई आपकी बात ये, तो ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे ले लिया था ताकि आपको एकदम से अजीब ना लगे अगर एग्जाम में आ जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले। इस तरीके से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो फिगर आपको दी होती है, कोई भी फिगर दे दी गई है और इस तरीके से आपका वो आपको फिल करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो ये बताना है आपको क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशन तो इसमें चल रहा होगा, रिलेशन आपको शुरुआत करनी है प्लस माइनस से। अगर देखिए इन दोनों के रिलेशन से ये बना होगा, ये तो आपको इतना तो पता चली गया होगा कि इन दोनों के रिलेशन से ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करिए, प्लस से तो नहीं हो रहा है क्योंकि एकदम ये बड़ी संख्या रखी है, तो बड़ी में आपका मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है और आपका क्यूब हो सकता है। स्क्वायर क्यूब वाला तो कुछ कॉन्सेप्ट मुझे लग नहीं रहा है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई का लग रहा है। मल्टीप्लाई का क्या है, 5 की 5 में करी कितना हो गया 25, 5 बजे 25, फिर 25 की 5 में करी कितना हो जाएगा 125, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अगर हम यही करें 4 चौक 16, 16 की 5 में करें तो कितना हो जाएगा 80, तो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 की 3 में करूँ कितना हो जाएगा 3 थिया 9, और 9 की 5 में करूँ तो कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा राइट आंसर 45, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 इज द राइट आंसर, देख लीजिए एक बार अपना ऑप्शन। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए आप, कमेंट बॉक्स में आंसर भी करिएगा इसका। यहाँ पे ये वाली आपको निकालनी है संख्या, ठीक है। अब इसको निकालेंगे तो भाई इसका अगर देखा जाए, ये इसका इन दोनों का रिलेशन हो सकता है और ये इन दोनों का रिलेशन हो सकता है, फिर इन दोनों के रिलेशन से ये बनेगा। बस आपको क्या निकालना है, इनका रिलेशन बन के क्या बना है। तो यहाँ पे आपको 49 लग रहा है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। अगर मैं 4 और 3 को प्लस करूँ कितना होगा 7, 7 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49, तो बन गया आपका, ठीक है। 6 5 कितना होता है 11, 11 का अगर मैं स्क्वायर करूँ कितना होगा 121, तो यहाँ पे 121 हो गया, बिल्कुल सही है। 2 और 1 3 कितना, 2 और 1 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो आसानी से आपका हो गया आंसर, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अगर होने होते हैं ना, कुछ सेकंड में हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है इस टाइप का फिगर वाले, तो आप एकदम से कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए उसको, स्किप कर दीजिए उस टाइम के लिए, थोड़ी देर में आके करिएगा अगर टाइम बचे बाद में, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है आपके सामने, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना मिक्स आने वाले हैं, एक रीजनिंग का आ गया, मैथ का आ गया, फिर आपका साइंस का आ गया, करंट का आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन से में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने में ही फायदा होते हैं, अगर क्वेश्चन एकदम कैच कर रहे हो आप तो कर लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो फिर कैसे करना है। यहाँ पे क्या चल रहा है, आप खुद भी ट्राई करते रहिए वीडियो को रोक रोक करके, थोड़ा आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। यहाँ पे क्या चल रहा है, स्क्वायर रूट कर रखा है, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2, और इसका कितना होगा,
इसका होगा आपका 3। 3 के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो आपका यहाँ पे 6 आ गया। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका कितना होगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका कितना होगा 4, तो 4 × 4 = 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे क्या नंबर रखे जाए कि 20 हो जाए, तो यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा, 4 × 5 = 20, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 25, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 25 रखेंगे और उसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा 5, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिए और आशा करता हूँ कि आप इसका सभी आंसर भी राइट देंगे। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 4 का अगर मैं स्क्वायर करूँ कितना होगा, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 49। तो कितना आसान सा इजी सा क्वेश्चन था, और ये एकदम कैच कर जाए तो बिल्कुल सही है, अदरवाइज यहाँ पे भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आप क्या चेक कर सकते हैं 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ पे एकदम 16, 25, तो अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट, यानी कि देखिए जब भी किसी फिगर को आप देखते हैं और उसमें मिसिंग नंबर आपको निकालना होता है, उसको हर एंगल से देखना चाहिए, कम से कम 4-5 एंगल से देखिए पूरी स्पीड से, मतलब कि ये नहीं कि आप देखने बैठ गए आप एंगल ढूंढ रहे हैं उसमें किस एंगल से देख सकते हैं, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एक तो आप इसमें सीरीज ही देखेंगे कि कैसे किस तरीके से बढ़ रही है, अगर इस तरीके से बढ़ती बढ़ती एकदम बढ़ गई तो इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ और चल रहा है, ठीक है। ये सीरीज तो नहीं चल रही है, तो आपने देखा कि यहाँ पे 16 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, यहाँ पे 36, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा 49 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए, इजीली आप कर भी लेंगे आशा करता हूँ मैं। यहाँ पे बीच में लिखा है 56, ठीक है। तो 56 को देखिए सबसे पहले तो किस तरीके से बन सकता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे 56 होता है, 14 की अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँ तो 56 होगा, और 28 × 2 = 28 दूनी आपका 56 होता है, तो ऐसा यहाँ पे क्या नंबर लिखे कि आपका 56 बन जाए। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पे 8 लिखिए, 8 × 56, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। 21 लिखेंगे ज़्यादा हो जाएगा, और तो बाकी के सारे बड़े ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मिसिंग नंबर के जितने भी आपके होते हैं वो आप इजीली कर लेंगे, बट बात वही है कि आप कितनी जल्दी कैच कर लेते हो उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें टाइम लग रहा है तो उसको स्किप करिए, अदरवाइज बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत ही जल्दी। अगर आपने वो सीरीज पहले कभी देखी होगी तो एकदम कर लेंगे, तो इसलिए कहता हूँ कि सारी वीडियो को देखते रहे, एक दो क्वेश्चन में रोज़ आपको मिसिंग नंबर का कराता रहूँगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको क्या पता उनमें से ही कोई क्वेश्चन उस टाइप से का मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसको ट्राई कर लीजिए। और यहाँ पे क्या चल रहा है, बहुत ही सिंपल है, 2 की मल्टीप्लाई 10 में की तो आपका 20, और 8 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यानी कि 2 की मल्टीप्लाई आपकी 10 में की गई, 8 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका 80 और आपका 20। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया आपको, और पूरी वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, और जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ 2-2 चैप्टर का, इससे आपका साथ साथ में प्रिपरेशन भी होती रहेगी और रिवीजन भी होता रहेगा 2-2 चैप्टर करके, और जो बाद में आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में जो टाइम बचेगा 1-2 वीडियो का, उसमें मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता रहे आपके लिए वीडियोज़ बनाने का। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पे टॉपिक स्टडी सर्च करके, वहाँ पे बस आपको टॉपिक स्टडी सर्च करना है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।